सबसे पहले आप सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्ते। और आज वट सावित्री पूजा है और आप सभी लोगों को वट सावित्री पूजा की ढेरों शुभकामनाएं और माता सावित्री का कृपया सदा सर्वदा आप सभी लोगों पे बना रहे और हमारे जितने भी माताएं बहने हैं उनके पति का अखंड आयु के लिए हम लोग बहुत कामना करते हैं कि हमेशा सुहागन रहे। आज वट सावित्री का पूजा है और आज मैं पूजा करूंगी और मेरे पति के लिए लंबी आयु के लिए आज मैं व्रत रखी हूँ। और ये जो व्रत है सभी हमारे माताएं बहने जितने सुहागन हैं सभी को ये व्रत करते हैं और ये व्रत करना चाहिए। आज के लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है सुहागनों के लिए। तो दोस्तों आज मुझे भी बहुत मतलब खुशी है, आनंद है कि रिया जी मेरे लिए अभी व्रत रखे हैं। दिन भर कल रात से उपवास है, रात से उपवास है और अभी तक उपवास है और अभी दिन भर रहेंगे ही, लेकिन भुख तो नहीं लग रहा नहीं। और ये रिया जी का पहला व्रत है दोस्तों और इनका मैं सामग्री लेने के लिए जा रहा हूँ पूजा का। हाँ, अभी इनको भी लेकर चलूंगा क्योंकि इनको पता है अच्छा से, है ना। और ये इनका पहला है और हर जहाँ का अलग अलग विधि से पूजा होती है दोस्तों। और हमारे यहाँ का क्या विधि आप सभी लोगों को देखने को मिलेंगे ब्लॉग्स के माध्यम से। और ये जो पर्व है ये वट ब्रिज के नीचे में ये परिक्रमा किए जाते हैं और जितना पुराना ब्रिज हो उतना अच्छा। बेस्ट माना जाता है, उतना पति का लंबा वायु होते हैं। हाँ। ऐसे माना जाता है। पहले सामान लेने जाते हैं ना, तो चलिए हम लोग सबसे पहले हम लोग मार्केट जाते हैं दोस्तों सामान खरीदने के लिए। हाँ, रिया जी के लिए खरीदेंगे और धूप भी काफी है और अभी हम लोग यहीं आए थे काम करने के लिए घर में। हाँ, तो दोस्तों हम लोग मार्केट पहुँच चुके हैं। ये रहा मार्केट, ये छोटा सा मार्केट है जिसे आप लोग देख पा रहे हैं, ये उतना बड़ा सिटी नहीं है, कुछ कुछ इधर दुकानें हैं। तो सबसे पहले हम लोग पूजा का सामग्री ले लेते हैं। देखिए इधर एक दुकान है पूजा का, यहीं खरीदेंगे हम लोग पूजा का सामग्री। और पहले पूजा का सामग्री देख लेते हैं ना, सब मिल जाएंगे ना। तो इधर जो चाचा है वो हमारे सामान लगा रहे हैं पूजा का सामान। और क्या क्या सामान लगते हैं हम लोग को उतना पता नहीं है क्योंकि ये फर्स्ट बार है रिया जी का पूजा। जितना सामान लगते हैं चाचा को कह रहे हैं आप अपने हिसाब से दे दीजिएगा, है ना। अरे यार जी देख लीजिएगा नारियल को अच्छे से पानी है कि नहीं, बजा के देख लीजिए है ना पानी। देखिए पान पात पैता सुपारी सिंदूर घी मधु कपूर अरवा सूखा मूली दाना सब दे दिए हाँ। हाँ आप अपने हिसाब से सारा सामान दे दीजिएगा चाचा, जो जो चाहिए होता है। ये भी खरीद ले रहे हैं धुपनी क्योंकि ये भी पंखा दो पीस लगते हैं चाचा कह रहे हैं तो दो पीस हम लोग ले लेते हैं। ये ताल पत्ता वाला दोस्तों, ये ताल के पत्ते का बांस का भी आता है लेकिन ये भी बेस्ट है, हल ले लीजिए। तो दोस्तों हम लोग यहाँ से सारा सामान ले लिए हैं और ये देखिए जितने सामान होते हैं रिया जी कहाँ रखे दिखाइए। ये रहे हमारे सामान और दुखनी भी ले लिए, ये पंखा क्योंकि पंखे इम्पोर्टेंट होते हैं, है ना। ये डालिए झोले में, ये भैया अपने हिसाब से सामान हम लोग को दे दिए हैं, ये चाचा जितने चाहिए होता है और हो गया ना। तो दोस्तों हम लोग जा रहे हैं फ्रूट्स लेने के लिए क्योंकि जो मौसमी फल जो होते हैं वो भी इम्पोर्टेंट होते हैं। आ जाओ ना खरीद दे रहे, इधर आ जाओ। देखिए इधर फल के दुकान लगे हुए हैं इस साइड में, आम आम है, सेब है और केले हैं, अंगूर हैं, तो ले लेते हैं। वो वाला दे दीजिए ना, कितना आधा किलो, आधा किलो दे दीजिए। और ये कैसे संतरा 150 रुपये के जी, बफली इतना महंगा, ये 250 दे दीजिए ना, ये 250 दीजिए। रिया जी अच्छे अच्छे छाट रहे हैं संतरे को। हाँ, और देखिए दोस्तों इधर भी पूजा हो रही है, अभी वट सावित्री पूजा इधर कर रहे हैं मतलब हमारे माताएं बहने, और हम लोग भी जा करके अभी करेंगे क्योंकि हम लोग अभी तैयारी हो रहा और कब जाएंगे कब करेंगे छाटी है ना। आम लिए और संतरा लिए, और तो कोई सामान तो नहीं चाहिए ना, वो हो गया ना क्या। और इसके लिए हम सामान ले दे रहे हैं खाने के लिए, वो तंग कर रही है तो इसको जिलेबी दे दीजिए ना, दो पीस दे दीजिए। हाँ जामने के लिए जिलेबी खरीद दे रहे हैं क्योंकि ये बच्चा आती है मानेगी नहीं ना। तो दोस्तों जैसे कि जानते हैं कि मतलब सोलो सिंगार की जरूरतें होती है तो उसके लिए भी हम लोग यहाँ सिंगार स्टोर पे आ गए हैं, यहाँ सिंगार लेते हैं कुछ कुछ क्योंकि वो चढ़ाने होते हैं। हाँ, ये बैग कितने का चाचा, दे दीजिए मेरे को बैग।
और चांदनी के लिए एक छोटा सा बैग खरीद दे रहे हैं। ये बैग कह रही है, अब देखिए कितना खुश हो जाती है छोटा छोटा चीजों में। चांदनी बैग, अयो चले चांदनी का बैग मिल गया, लो बेटा चलो दिखाओ, इधर दिखाओ दिखाओ अच्छे से, जानती भी है बैग टांगने के लिए चांदनी। ये देखिए बैग चांदनी के है ना, और हम लोग यहाँ सामान ले लेते हैं स्टोर से, रियाज हो गया ना। अब चले सीधा हम लोग घर निकलते हैं क्योंकि हम लोगों को भी पूजा का तैयारी करने है, अभी फ्रेश भी होने हैं। चलो आ जाओ, हो गया और इसका बैग भी है, बहुत हैप्पी है चांदनी। अब सीधा हम लोग यहाँ से घर निकलते हैं। तो दोस्तों हम लोग घर भी पहुँच गए सामान लेकर के, और काफी थक गए दोस्तों क्योंकि काफी दूर जाने पड़ते हैं हम लोगों को सामान लेने के लिए। इधर हमारे घर, और ये रहा दोस्तों हमारा सामान, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं यहीं से गए थे। और हम लोग भी पूजा वाला सामान ले लिए, सब सामान लेकर के आ गए पूजा वाला टोटल सामग्री। जय पहले फटाक से हम लोग फ्रेश हो लेते हैं, हम भी नहा लेते हैं और रियाजी भी अपना नहा धोवा करके फ्रेश हो जाते हैं जल्दी से, फिर पूजा पाठ के लिए लगेंगे। ठीक है, अभी हम लोग का घर थोड़ा जाएंगे आएंगे तो फिर दिक्कत होगा, और बगल में ही एगो इधर वट ब्रिज है और वही पूजा करने आते हैं बहुत सारे लोग, मतलब कोई भी आते हैं तो वही जाएंगे हम लोग भी पूजा करने के लिए। पहले नहा लेते हैं ना, और दोस्तों नहा लिए हम भी, और चांदी की मम्मी आ गए नहा करके, और एक बाल्टी हम पानी लेकर के जा रहे हैं क्योंकि कुछ कुछ सामान धोने उने पड़ेंगे। और चांदी की मम्मी देखिए इधर सब अपना सामान लेकर के इधर ले आए, अब नहा के आ गए हम और साड़ी उड़ी पहन ली और अभी तैयार होंगे क्योंकि ये जो पर्व है, ये जो व्रत है सरो श्रृंगार करने होते हैं, है ना जी। हाँ, पूरा अच्छे से सज संवरने होते हैं हमारे, मतलब इतने ही कुछ है तैयार होने के सामान है, रिया जी के कुछ इतने ही सामान है। हाँ, तो पहले इसको पहना दीजिए, इसको पहना दे। हाँ, अपने से नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा, पीछे तरफ से नहीं होगा। लो चांदनी लो, मोबाइल पकड़ो बेटा, ये मंगल सूत्र है जो रिया जी को हम पहना दे रहे हैं। एक मिनट, अच्छे से कर, इधर गोबर भी लगे हैं जी, रुके। हाँ ठीक है, ठीक है ना। हाँ ठीक है, चले हो गए क्योंकि हमारे यहाँ जो है ना, क्योंकि हमारे यहाँ आईना मतलब वैसा नहीं है, इसीलिए दिक्कत होता है, एक छोटा सा आईना लेकर के बस आए हुए हैं। अब तो अभी आरता पहने, सारा श्रृंगार हम कर लिए हैं, खाली आरता पहनने के बाकी है, तो इसको हम पहन लें। और ये आरता भी अनिवार्य होते ना लगाना। हाँ, पैर में लगाते हैं, और ये चांदनी कर रही है मको, तुम भी लगाएगी चांदनी, बच्चे लगाते हैं। हाँ लगाते हैं बच्चे भी, नहीं आरता लगाते हैं, लगाते हैं ना। हाँ, ठीक है चांदनी, तुम्हारे भी पैर में आरता लगा देंगे मम्मी, है ना तुम्हारे। रुको, हमको लगाने दो बेटा, उसके बाद पहले रियाजी आरता लगा रहे, पहले मम्मी को लगाने दो बेटा, उसके बाद तुम भी लगाओगी। हाँ, तुम भी पूजा करोगे। दोस्तों रियाजी अब पूजा का सामग्री को निकाल रहे हैं, और क्या क्या लाया दोस्तों आप सभी लोगों को भी दिखा रहे हैं हम लोग पूजा का सामान। ये देखिए धुकनी है, ये जो पंखे बोलते हैं, ये पंखा दो पीस लेकर के आए हम लोग, और इधर अरवा चावल है, धूप है, ये धूप क्या कहते हैं इसको, दुब घास है, और इस सामान में इसने पूरा टोटल सामग्री यहाँ निकाल दीजिए दोस्तों। सारा सामान हो गए हैं रेडी पूरी तरह से, ये देखिए उठा के दिखा दीजिए एक बार अच्छे से, और वो सोलो सिंगार कहाँ गए, क्योंकि ये सोलो सिंगार है दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट होते हैं, ये डाला जाता है मतलब वहाँ चढ़ाया जाता है ना। हाँ, और सब सामान ऑलरेडी पूरा तैयार हो गए हैं, तो चलिए वो लोग चले दोस्तों पूजा के लिए, चले हो गए ना। हाँ, पानी, कहीं अगर मिस्टेक हुई हो पूजा पाठ में तो हमें मतलब कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि ये फर्स्ट बार है, और कोई मतलब सलाह देने के लिए और कोई भी नहीं है कि हम किन्हीं से पूछ करके पूजा करें, लोग हैं लेकिन काफी दूर में है, लोग यहाँ नहीं है, हो गए ना। हाँ, चलिए पूरी तरह से रेडी भी हो गए, और रिया जी अब चले अपने पूजा करने के लिए, वट सावित्री पूजा, पानी उनी सब ले लिए, दुखनी है वो यही रखना है। हाँ, अच्छा एक पंखा ही रखना, एक पंखा लेकर के जा रहे हैं, ले जाना। और दोस्तों यहाँ पहुंच गए जहाँ पूजा होती है, और देखिए इधर कितने सारे इधर वट ब्रिज के सामने बैठे हुए हैं माताएं बहने, चलो ये रेल के अंदर में ये पड़ता है, चलिए
हनन अतने सत्यवान सावित्री व्रतो सत्वा पूजा हनन बड दृष्टि हन भाइन पुत्र पुत्रादि बोल आदमी अपने अपने के साथ में तभी ना चल आता ही दुर्घाटा लाली है देखिए ऐसा तो कल मूड आने वाला है ना आगू तो कल आगू आगू जाएंगे इतना तो मैं पूजा करके आ गई हूँ और कितने अच्छे से हम पूजा किए हैं वो वट ब्रिज के सामने नीचे में, और बहुत अच्छा लगा। और ऐसे ही सब कोई पूजा करते हैं और हम भी किए हैं, तो हम आगे का नियम को करते हैं। तो सबसे पहले हम चांदनी के पापा को पैर धुलाते हैं। तो चलिए जी बैठिए। यहाँ कुर्सी भी नहीं है दोस्तों, कहाँ बैठे जो? नहीं है लेकिन चांदनी बैठी वहाँ बैठ जाते हैं। हाँ वो बांस का ही है वो। अच्छा सबसे पहले यहाँ बैठ जाइए आप। यहाँ बैठ गए दोस्तों, देखिए कुर्सी है और जो मेरा सामान है। और या जी यहाँ पलट के रख दे रहे हैं सामान को नीचे में। पहले खाने में चांदनी के पापा का पैर धुला देते हैं। हम बैठे कहाँ दोस्तों? हाँ कुछ नहीं होगा, तो हम चांदनी के पापा को पैर धुला रहे हैं। हो गया तो सबसे पहले टीका लगा देते हैं।
तो ये वाला पत्ता से पहले हम इस हवा लगा देते हैं छानी के पापा को। पांच बार हो गया, उसके बाद धुकनी में पंखा कहते हैं जी, पंखा इसको बोलते हैं, ये जो पंखा है। चलिए हो गया, रुकिए। जो मेरा नियम था, हम सारा नियम को कर लिए और बहुत अच्छे से कर लिए। जैसे आता वैसे पूजा पाठ हो गए दोस्तों हमारे, और श्राद्ध तो हो ही गया। तो चलिए दोस्तों, आज का ब्लॉग हम लोग यहीं तक रखते हैं। आई होप कि आप सभी लोगों को आज की ब्लॉग वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो ठीक है दोस्तों, बाय बाय, खुश रहे, खुशियां बांटे, बाय बाय दोस्तों।